एनडीए की विशेषता है, अपना अपना राय, अपना अपना विचार, अपना अपना एजेंडा रख सकते हैं, लेकिन झगड़ा कहीं नहीं है, विरोध कहीं नहीं, अपने अपने हिसाब से लोग राजनीति करते हैं, राजनीति चलता रहेगा और एनडीए मजबूती से चलता रहेगा और विरोधी का कलेजा फटते रहेगा कि एनडीए कब टूटे, जो होने वाला नहीं। जेडीयू बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जो सवाल खड़े किए कि जितना पैसा बिहार के लिए आ रहा है वो पैसा तो पहले खर्च हो ही नहीं पा रहा है और विशेष राज्य के दर्जे की मांग क्यों कर रहे हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का कहना है। लेकिन जेडीयू भी पूरा आंकड़ा दे रही है कि वित्त मंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद, वो कितना पैसा आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ये तमाम चीज़ों की जानकारी जो है जेडीयू दे रही है। बावजूद आज हमने बिहार सरकार के मंत्री हैं नीरज बबलू, बीजेपी के कोटे से आते हैं, उन्होंने भी कहा है कि ऐसा हुआ है कि पैसा आया और पैसा खर्च नहीं हुआ है और पैसा वापस भी गया, कारण जो भी रहा हो, लेकिन काम करने की जिस तरीके से कोविड की बात करें तो कोविड के दौरान भी उन्होंने कहा कि पैसा आया और काम नहीं हो पाया इसलिए पैसा वापस चला गया, लेकिन बिहार में जिस तरीके से विकास का काम है तो अगर पैसा नहीं आ रहा तो विकास कैसे हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल हो गया है कि नीरज कुमार जो बिहार सरकार में मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू, उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का साथ देते हुए जेडीयू पर ही फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि बिहार में पैसा अगर नहीं आ रहा है तो काम कैसे हो रहा, और पैसा जो आया है वो वापस तो गया ही है कि कई सेक्टरों में काम नहीं हो पाया इस वजह से पैसा वापस चला गया। सुनिए नीरज कुमार मंत्री हैं बिहार सरकार में पर्यावरण विभाग के, उन्होंने क्या कुछ कहा है। अरे भैया विरोध कौन कर रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा है, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं और जब जहां जो जरूरत पड़ेगा होगा। एनडीए में कहीं कोई विरोध नहीं है, सारे पार्टी चारों पांचों पार्टी जो है अभी इंटैक्ट है, लोग अपनी अपनी बात करती। एनडीए का यही विशेषता, मैं पहले भी कई बार कहा हूँ कि एनडीए की विशेषता है, अपना अपना राय, अपना अपना विचार, अपना अपना एजेंडा रख सकते हैं, लेकिन झगड़ा कहीं नहीं है, विरोध कहीं नहीं, अपने अपने हिसाब से लोग राजनीति करते हैं, राजनीति चलता रहेगा और एनडीए मजबूती से चलता रहेगा और विरोधी का कलेजा फटते रहेगा कि एनडीए कब टूटे, जो होने वाला नहीं। एमपी ने कल विवादित बयान दिया है कि नीतीश कुमार सत्ता के लिए दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सका, आप सहमत हैं? किसने उनका व्यक्तिगत राय होगा, उनका व्यक्तिगत पार्टी क्या इससे राय नहीं रखती? बिल्कुल पार्टी इससे राय नहीं रखती है, उनका अपना, जब प्रवक्ता कोई चीज बोले तो आप समझिए कि पार्टी का राय हो सकता है, बाकी इंडिविजुअल है, हम भी इंडिविजुअल अपनी बात रख सकते हैं, हम भी प्रवक्ता नहीं है और मैं ये भी मानता हूँ कि प्रवक्ता की का ही बात सही होगा, बाकी लोग अगर कुछ बोलते हैं तो उनका अपना विचार होगा। सर एक सवाल है कि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि बिहार में पैसा जो आ रहा है वो वापस जा रहा है, लेकिन जेडीयू कह रही है कि पैसा आ ही नहीं रहा है। नहीं, पैसा नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता, पैसा नहीं आ रहा तो इतना काम कैसे हो रहा है, इतना विकास का काम कैसे हो रहा है? पैसा आ रहा है, जितना जरूरत है उतना पैसा आ रहा है, उसका उपयोग होने में हो सकता है, कहीं कहीं से वापस चला जाता है पैसा, पूरा उपयोग नहीं हो सकता है, तो ये कहीं कहीं गड़बड़ी है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह नहीं है, कई विभाग में पैसा खर्च हो भी रहा है, कई विभाग में किसी गड़बड़ी से जैसे कोविड की वजह से भाई बहुत सारा पैसा लौट गया, काम समय पर नहीं हो पाया, तो मुझे लगता है कि अगर कोविड खत्म हो रहा है तो आने वाले दिन में पूरा काम होगा, जितना पैसा आएगा उसका उपयोग होगा। एक सवाल है कि विपक्ष यह दावा कर रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में भी बड़ा खेला होगा, जेडीयू और बीजेपी की सरकार की विदाई हो जाएगी। देखिए विपक्ष वहाँ इस तरह से मुंह का खाएगा यूपी में कि लोगों को होश ही नहीं रहेगा कि फिर कहीं दूसरे स्टेट में हम घूम पाए देख पाए, वहाँ जितना सोच भी नहीं रहा होगा आदमी उतना जबरदस्त होगा। आज के समय में पूरे देश में सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी है और योगी जी का जनाधार डे बाय डे बढ़ते जा रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में पिछले विधानसभा से ज़्यादा सीट से इस बार यूपी में 400 के आसपास का सीट आ जाएगा, अब देखेंगे कि पूरा दुनिया देखते रह जाएगा।